आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ एक्टू प्रखंड कमेटी के द्वारा बलिया में 11 सूत्री मांगों को लेकर बलिया के अंबेडकर पार्क में रसोईया संघ की अध्यक्ष किरण देवी की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना को संबोधित करते हुए भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य व बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ के राज्य महासचिव प्रधानमंत्री के आंदोलन जीवी के वक्तव्य पर सरोज चौबे ने कहा कि हाँ, हम आंदोलन जीवी है और देश में मजदूर आंदोलन को आगे बढ़ाने जिंदा रखने की जिम्मेदारी है। मोदी नीतीश सरकार के मजदूर विरोधी नीति की चर्चा करते हुए कहा कि बजट सत्र में ना ही मजदूरों की बात की गई, ना ही मनरेगा की बात की गई। पूरे बजट को मजदूर विरोधी, किसान विरोधी बताते हुए उन्होंने आह्वान किया कि 26 फरवरी को विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन में अधिक से अधिक रसोईया को भाग लेने की अपील की और उन्होंने नीतीश मोदी सरकार से मांग की। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। अनुमंडल मुख्यालय पर बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ संबद्ध आपू के नेतृत्व में धरना चल रहा है। इससे पहले प्रदर्शन निकाला गया है। ये पहले तो 26 फरवरी को बिहार विधानसभा के सामने प्रदर्शन है, उसकी तैयारी में है। दूसरे जो मांगे हमारी लंबित मांगे हैं, रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है मानदेय 21,000 रुपया किया जाए, एनजीओ के हवाले मध्यान्ह भोजन योजना को सपोर्ट करना बंद किया जाए, कई विद्यालयों का मर्जर हो रहा है वो मर्जर बंद किया जाए, 10 महीने का जो मानदेय मिलता है उसको 12 महीना दिया जाए। रसोईया अक्सर महिलाएँ हैं, 95% रसोईया महिलाएँ हैं, उनको मैटरनिटी लीव दिया जाए 6 महीने की, विशेष अवकाश दिया जाए, ईपीएफ ईएसआई जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन ये सब उनके उसको दिया जाए। और अभी उनकी भर्ती बंद है, ये भर्ती उनकी चालू किया जाए। और जो एक सरकार ने सुविधा घोषित की थी कि जो कार्यकाल में रसोईया मृत हो जाएंगी उनको 4 लाख अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा, वो अलाटमेंट ही बंद कर दिया गया। आज आप लोग किन मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं? आज जो एसडीओ कार्यालय के सामने बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ का ये प्रदर्शन रखा गया है। बेसिकली इनकी जो मांगे हैं कि रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, मानदेय 21,000 रुपया करो, और अभी 2021 में 12 महीने का मानदेय देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और बंगाल सरकार ने इसके लिए चिट्ठी भी निकाल दी है। तो हमारी भी मांग है कि 2020-21 में जो लॉकडाउन हुआ है, जो कोरोना काल रहा है, उसमें 10 महीने की बजाय 12 महीने का इनको मानदेय दिया जाए। इसके अलावा हमारी मांगे हैं कि अधिकांश इसमें रसोईया हैं तो इनको 2 दिन का विशेष अवकाश दिया जाए, मातृत्व अवकाश दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाए, और इनको 4 सूती साड़ी ड्रेस में दी जाए, और विद्यालयों में जो सुविधाएं इनको चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, किचन सेट चाहिए, और उसमें सिलेंडर पर खाना बनाए, मान सम्मान मिले, ये हमारी लंबे समय से मांग चलती आ रही है, ये हमारी मांगे हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।